जनवरी 19 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की बोली सुन। अभी तुम ये जानते हो कि हमको शुभ आपन उनकी जयंती हो चुकी है। वो आए हैं बरोबर बाप फिर इस पति की दुनिया को पावन बनाने अथवा इसे कलयुग की दुनिया को वाहेल को कहो या नक को कहो स्वर्ग बनाने। अभी ये बच्चे इतने सब बैठे हैं, किसके बच्चे हो सकते इतने? जरूर प्रजा पिता बिना के होंगे। प्रजा पिता यानी ये प्रजा अभी ये सब जानते ब्रह्मा कहते हैं मामा बाबा ब्रह्मा और सरस्वती को मामा बाबा कहते हैं ना बच्चे। अभी ये जानते हैं कि इनकी गोद में आने से मात पिता शिव बाबा मामा ये बाबा इनके गोद में आने से हम बरोबर स्वर्ग के मालिक बने रहे हैं। इसको ही कहा जाते हैं राज योग और ज्ञान। अभी योग सिखलाते हैं किसके साथ? अपने साथ। बीती सो बीती देखो ना बच्ची, जो भी दुनिया चक्कर लगा के इस तक आई है। ये होगा कलयुग का अंत, सतयुग की आग। इसमें कहा जाते संगम युग कॉन्फ्लुएंस युग, कल्प का कॉन्फ्लुएंस युग का नहीं कॉन्फ्लुएंस नहीं कल्प कॉन्फ्लुएंस की युग की कॉन्फ्लुएंस में ऐसे हो नहीं सकते कि पद से पावन दुनिया होनी है कलयुग से सत्यु की दुनिया। तो बाप कहते हैं मैं आता भी अब हूँ, तुम बच्चे आए हुए हो। कहते हो हम कल पहले माफिक फिर से मिले आए, कल्प कल्पांतर मिलते ही आए हैं, कल्प कल्पांतर मिलते ही रहेंगे। ये नहीं बाबा कहते हैं नहीं हम तुम और ये सभी आज हैं, कल पहले थे, कल्प कल्प होंगे फिर से मिलेंगे। फिर माँ भाई माँ भारत लड़ाई यह है गीता के एपिसोड की, यानी गीता का इस समय में एपिसोड या पाठ कहो रिपीट हो रहा है। रिपीट यानी फिर से बाप आकर कर करके इस भारत को गीता से भारत स्वर्ग बनाए। ऐसे नहीं है कि बाप ने कोई गीता करके सुनाई या फिर सुने नहीं, ये सब तो झूठ हो गए बच्चे। गाय भी जाते हैं झूठी माया झूठी काया, काया भी झूठी है, वो तो झूठे हैं। माया ने झूठा बना दिया है सब, ठीक है नहीं? आत्मा को भी झूठा बना दिया, जो कुछ आत्मा बोलती है झूठ बोलती है। साधु की आत्मा झूठ बोलती है, कहती है कि ईश्वर सर्व जाती है, सो कहते आते हैं जन्म जन्मांतर, उसे क्या फायदा हुआ? कौन सा बात मीठा हुआ? जो बाबा दादा मीठी मीठी जगदम्बा का मीठे मीठे सीख लेने बच्चों से गुड मॉर्निंग।